इस बार हम बताएंगे स्टूडेंट वन सब के बारे में। वो कहा है ना कि अभी रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो गया है, 10th 12th CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, JEE, नीट और बहुत तरह का एग्जाम सब हुआ है, और सबका रिजल्ट अब धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। इसी चक्कर में स्टूडेंट वन सब का ना टेंशन बहुत बढ़ गया है, बहुत तरह का टेंशन उनको आ गया है कि पड़ोसी से नंबर कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, 90% आएगा कि 60% आएगा, पास होंगे कि फेल होंगे। तो इस सब टेंशन से बेचारे एकदम परेशान हैं। तो हम लेकिन मज़े का बात यही है कि आपका जो रिजल्ट है ना वो IPL के मैच के जैसे फिक्स हो चुका है। वो कैसे? आप तो भाई एग्ज़ाम दे दिए हैं, पेपर में तो लिखा गया है, तो रिजल्ट तो वैसे ना आएगा जैसे आप लिखे हैं, ना नंबर ज़्यादा आएगा ना कम आएगा, तो टेंशन काहे का है? अब मेन बात ये है कि यदि मान के चले रिजल्ट में नंबर कम आ गया तो क्या करें? तो भैया तैयो टेंशन नहीं लेना है, काहे कि दुनिया में जितना भी बड़का से बड़का आदमी सब हुआ है ना, कोई भी स्कूल का कॉलेज का टॉपर नहीं था। और दूसरी बात कि अपना इंडिया में ना सबसे बढ़िया चीज़ किसको माना जाता है? UPSC का, IPS, IAS ऑफिसर, इस सब का। उसके एग्ज़ाम में एको को में आप देखे हैं कि उसका जो क्राइटेरिया है कि 60%, 80%, 90% है मार्क्स का, कुछ क्राइटेरिया नहीं है उसमें। तो यानी कि टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट चुनने में बहुत ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि दूसरे का दखौंस करना है, वो जो लिया बगल वाला हम भी वही सब्जेक्ट ले लें, हमको जो अच्छा लगेगा वही लेंगे, किसी के प्रेशर में नहीं आना है। दूसरे का दखौंस तो एक को रत्ती नहीं करना है। और आप यानी कि गार्जियन सब, आप लोगों को भी कह देते हैं कि उसको एग्जाम्पल मत दीजिए कि फलनामा का बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है तो तुम भी इंजीनियरिंग करने के लिए चले जाओ बेंगलोर। अरे बाप रे, अरे इंजीनियरिंग से याद आया, ये तो ऐसा कोर्स है अपने देश का जकरा चक्कर में अपना देश का बहुत ही युवा एकदम परेशान हो गए हैं। अपना देश का ज़्यादातर युवा क्या करते हैं? पहले इंजीनियरिंग करते हैं, तकरा बाद में सोचते हैं कि उनको जीवन में करना तो करना का है। बहुते आदमी इंजीनियरिंग करने के बाद बैंक PU, SSC, जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करते रहते हैं। बताइए, जब उनको यही करना था तो 4 साल अपना टाइम अब बाबूजी का इतना पैसा काहे बर्बाद किए? तो इसलिए हम कह देते हैं कि यदि आप सोच रहे हैं इंजीनियरिंग करना है तो इसके पीछे बहुत बढ़िया से सोच लीजिएगा, बढ़िया कॉलेज मिले तभी एडमिशन कराना है। और यदि आप गार्जियन हैं तो एक चीज़ और बता देते हैं कि आप यदि सोच लें कि आपके बच्चा को भेज रहे हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, तो तनका और ख्याल रखिएगा कि जैसा ये सीधा साधा अभी लग रहा है ना दिखने में गाँव से जो भेज रहे हैं, तो बाद में इतना सीधा साधा रहने वाला है नहीं। कहा है कि 80% चांस है कि वहाँ पर जाके पूरा बिगड़ जाने वाला है, सिगरेट, दारू, गुटखा सब कुछ शुरू कर सकता है, 80% चांस है उसका। तो इतने का ख्याल रखिएगा। खैर, वो तो दूसर का बात था, हमारा कहने का मेन मकसद ये है कि खाली डॉक्टर आए इंजीनियर नहीं ऑप्शन है, आपका बच्चा दूसरा चीज करके भी बहुत आगे बढ़ सकता है, आपका नाम को एकदम से रोशन कर सकता है। तो मतलब ये है कि यदि उसका नंबर कम आता है तो टेंशन में आने का कोनो बात नहीं है, उसको डांटने का कोनो बात नहीं है, उसको अपने मन से सब्जेक्ट लेने दीजिए, उसको जो अच्छा लगता है वो करने दीजिए, उसको हेल्प करिए, ना कि उसको परेशान करिए पड़ोसी का एग्जाम्पल दे करके। पड़ोसी का एग्जाम्पल तो बिल्कुल ही नहीं दीजिएगा। और पढ़ाई के अलावा भी बहुत ऐसा चीज़ है कि वो चीज़ करेगा ना तो आपका नाम और बढ़िया से रोशन कर सकता है। तो बस एक के लाइन में हम कहना चाहेंगे कि कन्फ्यूजियाना नहीं है, जो खुद को अच्छा लगता है वही करना है और आगे बढ़ना है। यदि अभी वो मन में कोई तरह का डाउट है तो ज़रूर पूछिए हमसे, हम उसे पूछने के लिए आप क्या कर सकते हैं तो कमेंट में कुछ लिख दीजिए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी देखना चाहिए तो शेयर कर दीजिएगा, बाद में हम दूसर का टॉपिक पर फिर से बतियाएंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।